लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। लेफ्ट ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जी हां, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद अब लेफ्ट पार्टियों ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन के संभावनाओं के बीच वाम मोर्चा ने गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। वाम मोर्चा की पहली सूची में राज्य के 42 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। 13 सीटों पर माकपा और 3 सीटों पर लेफ्ट की सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। कोलकाता साउथ सीट से लेफ्ट ने सायरा शाह हलीम को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनकी सीधी टक्कर टीएमसी की उम्मीदवार माला रॉय से होगी। उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद सायरा शाह हलीम ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चुनाव प्रचार के तहत दीवार लेखन में हिस्सा लिया। इस दौरान हमारी टीम भी मौके पर पहुंची। हमने उनसे सीपीएम पार्टी की चुनावी मुद्दे सहित विपक्षी पार्टियों को धराशायी करने की योजना को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, राजनीति हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो शासन चल रहा है और सांप्रदायिकता का जो शासन चल रहा है, आप लोग बेहतर समझदार हैं, तो वो राजनीति को हम लोग समाप्त करने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है युवा शक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो कुछ आवाज अपनी पार्लियामेंट में उठा सके। हम देख रहे हैं NRCCA को लेकर कितना यहाँ पे राजनीति चल रही है, गंदी राजनीति चल रही है। यहाँ पे एक सांप्रदायिकता का शासन चल रही है। हम लोग जो है यहाँ पे संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान की रक्षा करना हमारा हर नागरिक का अधिकार है, और वही हमारी पार्टी कर रही है, वही हम लोग कर रहे हैं। और NRCCA का जो यहाँ पे जो राजनीति चल रही है उसको हम समाप्त करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हम लोग उन सब की आवाज जरूर पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और यहाँ पे आप लोगों की आवाज जरूर बुलंद करेंगे। बंगाल में टीएमसी और भाजपा एक मजबूत पार्टी मानी जाती है, इससे आप किस तरह से टकराव करेंगे? देखिए, एक दौर आता है कि जब हर पार्टी मजबूत होती है। एक टाइम था सीपीएम भी मजबूत थी, अभी दौर आया है टीएमसी भी मजबूत है। लेकिन हम देख रहे हैं कैसे मिनिस्टरों को जो उनपे जो एलिगेशन लगाए भ्रष्टाचार का, कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री खुद जेल में, और हम देख रहे हैं संदेश खाली में किस तरह का औरतों के ऊपर एक बहुत नाइंसाफी हुई। तो हम संदेश खाली की घटना देखे, हम लोग जो करप्शन की जो चल रहा है, दिन दहाड़े मिनिस्टर अरेस्ट हुए जा रहे हैं करप्शन के चार्जेस पे। हम लोग का पार्टी जो है ऐसा पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, एकमात्र पार्टी है। तो आप समझ लीजिए कितना साफ सुथरा राजनीति यहाँ पे हम लोग कैसी राजनीति कर रहे हैं और कैसे हम लोग इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ी? हम लोग जो है सबसे पहले जो है उन्नति के ऊपर, उन्नति सबके लिए, हम लोग उन्नति और डेवलपमेंट चाह रहे हैं। यहाँ पे छात्र छात्राओं की जो परीक्षा के लिए, उनके जॉब्स के लिए हम लोग लड़ेंगे। यहाँ पे सैनिटेशन, वर्क, ग्रोथ, इंडस्ट्री के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग सांप्रदायिकता का शासन को एकदम समाप्त करना चाह रहे हैं, साफ सुथरी हम लोग नीतियां लाना चाह रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप लोगों से विनती है, आप लोग जरूर यहाँ पे हम लोगों को कामयाब करेंगे ताकि कोलकाता साउथ आपकी आवाज को और बुलंद कर सके, आपकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। माला राय से आपका मुकाबला किस तरह से उनको आप क्या कर देंगे? देखिए, उनकी वो उम्र दराज है, काफी उम्र हो गई है। आप चाहते हैं कि उम्र में उनसे मैं काफी छोटी हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन यूथ की जो एनर्जी होती है, जो जज्बा होता है, वो अलग होता है। कि जो आदमी रोड पर चलकर डोर टू डोर मुसीबत समझे, काम आपके आए, उसी कैंडिडेट को आप वोट करें। जबकि जो कैंडिडेट नहीं दिखता उसके लिए आदमी क्यों वोट करेगा? जो कैंडिडेट आपके इलाके में दिखे, आप लोगों के साथ काम करे, आप वही कैंडिडेट को तो वोट करेंगे ना। जी, देखिए, बालीगंज में हमने एक उदाहरण दिया के जो एक बाइनरी बनी हुई थी कि भैया खत्म हो गया, हमने आपने देखा कि कैसे टक्कर की लड़ाई हमने दी टीएमसी को भी और बाबुल सुप्रियो को भी, और बल्कि जो है बहुत कम वोटों से बाबुल सुप्रियो जीते।
तो ये हमने नतीजा जो है दिखा चुके हैं बालीगंज में, और अभी आ गया है लोकसभा का जो ये है, आप देख रहे हैं रोज रोज भ्रष्टाचार के यहाँ पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, करप्शन के एलिगेशंस, सांप्रदायिकता के इलेक्शन, भाजपा जो सांप्रदायिकता का शासन करती है उसको हम समाप्त करना चाह रहे हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पे राजनीति में साफ सुथरी राजनीति लेके आएंगे ताकि हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति चल रहा है उसको हम समाप्त कर सकें। क्या लगता है ये राज्य में लागू होने भाजपा ने ये वादा किया? देखिए, अगर टीएमसी जो है जोर नहीं डालेगी, आपको चाहिए एक आवाज, मजबूत आवाज जो सीएएनआरसी के खिलाफ लड़ सके। हम लोग जो है हमेशा सीएएनआरसी के खिलाफ लड़े हैं, आवाज भी बुलंद करे हैं और आगे भी बुलंद करते रहेंगे। आपको ऐसी आवाज चाहिए जो सीएएनआरसी का जो राजनीति चल रहा है उसको समाप्त करें। केरला में जो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनने ऐलान करा है कि केरला में जब तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार है वो एनआरसी सीए लागू नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कोलकाता साउथ में मुझे वोट देंगे, सीपीएम को वोट देंगे, मैं इंश्योर करूंगी हम लोग जितना भी लड़ सके कि एनआरसी सीए के खिलाफ, एनआरसी सीए जैसा जो गंदा कानून है, काला कानून है, वो यहाँ पे भी लागू नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको सीपीएम पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा सके और सीए एनआरसी के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई आगे लेके जा सके। अगर आप जीत कर आती हैं तो पहला काम इस बात में क्या है? पहला जो काम है मेरी कंस्टिट्यूएंसी कोलकाता साउथ, आप देख ले मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे नौजवानों को जॉब्स चाहिए, सैनिटेशन के हालात देख लीजिए, ड्रेनेज के हालात देख लीजिए, जॉब्स के हालात देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो लोकल मुद्दे हैं लोकल मुद्दों को हल करेंगे और जो आपकी जो मुश्किलें हैं तकलीफें हैं वो हम लोग पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे ताकि जो भी इश्यूज हैं प्रॉब्लम्स है समस्याएं जो है उनको हल कर सके। बता दें कोलकाता दक्षिण लोकसभा केंद्र पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गृह सीट है। ममता बनर्जी इस लोकसभा केंद्र से खुद 6 बार सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल इस सीट से टीएमसी की सांसद माला रॉय हैं। बहरहाल सायरा शाह हलीम माला रॉय को किन मुद्दों और रणनीति से चुनावी मैदान में पछाड़ती है, जनता की कसौटी पर कितनी खड़ी उतरती है, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24।